साइबर सिटी गुरुग्राम में भी लगातार कड़कड़ाती ठंड का कहर जारी है। जायजा लिया संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड से हो रहा है। कुछ दिनों से गुरुग्राम में सर्दी और कोहरा लगातार बना हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 8 पर, जहां आप देख सकते हैं लगातार ये कोहरे की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम का लघु सचिवालय है, जो कि अभी दिख भी नहीं रहा है कि आखिरकार यहाँ पर कोई लघु सचिवालय भी है। तो ऐसे में लगातार कोहरा जो है जमा हुआ है, जिससे जो गाड़ियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं रेंग रेंग कर चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे ठंड के बारे में। बहुत ज़्यादा कोल्ड है और -डिग्री जा रहा है तापमान, बाइक भी चलाने का मन नहीं कर रहा। किस तरह लग रहा है कि बाइक चलाने की? बहुत परेशानी हो रही है। आप बताइए ठंड को लेकर के। पीछे तो पूरी कुल्फी जमी पड़ी है और पीछे चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हर आम बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोहरे का तो सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वही बात है कि अपना सिस्टम बना के रखे, अच्छे से कपड़े पहन के रखे पूरी तरीके से, और सारे अच्छे तरीके से अपना जुड़ के चले। कोहरा कितनी परेशानी इन लोगों को दे रहा है चलाने में। हमारे साथ एक और बाइक चालक है, आप बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में, ठंड को लेकर क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, बहुत परेशानी हो रही है। दो ग्लोव पहन रखे फिर भी इतनी ठंड लग रही है हमें। देखिए आप देख सकते हैं जो बाइक पर चल रहे हैं लोग, उन्होंने पूरा अपना जो है शरीर को ढका हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, बकायदा जैकेट पहनी हुई है, पूरा मफलर पहना हुआ है, साथ में टोपी है, हेलमेट है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं रुक रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर आज जो लगातार कोहरा बना हुआ है, कड़कड़ाती ठंड है, नए साल का स्वागत आपका ठंड से हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत ज़्यादा ठंड है सर। आप देखिए मैंने हाथ में ग्लव्स पहने, जैकेट पहनी है, कहीं जगह रुकना पड़ा, इतना ठंड है, मतलब कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से हम घर से ऑफिस जा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रश है, मंडे है, बड़ी दिक्कत हम लोगों के लिए, बहुत ठंड है सर। देखिए बिल्कुल आज ऑफिस का दिन है, क्योंकि कल रविवार था, तो रविवार को भी देखा गया था काफ़ी कोहरा बना हुआ था और कड़कड़ाती ठंड थी। और आज सोमवार का दिन है, सभी लोगों को आज ऑफिस जाना है और कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे इस ठंड को लेकर के। सर नमस्कार, पहले तो ठंड बहुत ज़रूरी भी है और लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। ऑफिस सुबह 6 बजे घर से निकले थे और अब टाइम 10 बज चुके हैं, मैं झज्जर से आगे से आता हूँ। बहुत किस तरह की स्थिति थी जब आप रास्ते में? जाम भी था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, धुंध थी, निकलना मतलब रेंगते हुए साधन व्हीकल चल रहे थे, मतलब गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही थी, बहुत ज़्यादा रेंग के चल रही थी। और 7 बजे निकले घर से और 130 साल में पहली बार जो इतना कंटिन्यू सर्दी पड़ी है, जो धूप भी नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत तेज धूप चल रही है। एंजॉय कर रहे हैं आप? सर एंजॉय तो बहुत किया, अभी छुट्टियाँ से करके आए थे तो आज ऑफिस में आए तो अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग इस ठंड का मज़ा भी ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो है ठंड बनी हुई है, जिससे उन्होंने अपने शरीर को बचाने के लिए कहीं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, तो उससे अपना पूरा शरीर भी ढका हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।